Hi guys, welcome back to my channel. What's up? So मैंने Instagram पे post डाली थी कि आप लोग मुझे suggest करें कि मेरी next YouTube video vlog क्या होना चाहिए. तो most of you asked कि मैं room tour करूँ. तो मैंने कहा कि अच्छा idea है क्योंकि मेरा room बहुत गंदा था. तो I was like कि मैं अपना room भी साफ करूँगी, एक motivation मिल जाएगी, so called motivation मिल जाएगी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से, हाँ, कि मैं अपना room साफ करूँ. तो मैंने कहा कि ये best idea है. तो पहले मैंने अपना room साफ किया और फिर मैंने room tour video बनाई है. और क्योंकि मैंने पहले इंट्रो बनाया था लेकिन अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मैं दोबारा बना रही हूँ. सो इसके बाद आई विल शो यू गाइस हाउ आई क्लीन माय रूम एंड द होल रूम टूर स्टफ. सो इफ़ यू गाइस वांट टू सी माय रूम तो एंड तक वीडियो देखिएगा और फिर लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और जो कुछ कर सकते हैं सब कुछ कीजिएगा, मतलब सब कुछ. सो गाइज राइट नाउ माई रूम इज़ अ मेस, लाइक अ टोटल मेस. और मैंने सोचा था मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी लेकिन मैंने सोचा कि अभी तैयार होने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि मैं तैयार नहीं हुई. और अब जो है मैंने अपना रूम साफ करना है, विच इज़ अ मेस, ठीक है, विच इज़ लाइक अ प्रॉपर मेस. सो आई विल शो यू गाइज हाउ इट इज़ राइट नाउ. सो गाइज जस्ट लुक हाउ मेसी माई रूम इज़. बी एम का रजाई थी कि क्योंकि मैं कहीं से मैंने सफाई करनी है तो उन्होंने खुद ही कर दी, लेकिन मेरे कपड़े जो हैं मेरे बिस्तर पर पड़े हुए हैं, मेरा ड्रेसिंग टेबल इज़ लाइक अ प्रॉपर मेस, ठीक है. और अभी मुझे ये सब साफ करना है और ऑब्वियसली अकेले तो मैं करने से रही, सो ये सब मैंने साफ करना है एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू गाइस माय रूम टूर. कर लिया है, मुझे काफ़ी टाइम लगा अपना रूम साफ करने में लेकिन अब हो गया, क्योंकि अब हो गया है तो इट्स टाइम कि मैं आप लोगों को अपना रूम टूर दूँ. सो कम ऑन इन. गाइस मेरा पूरा रूम जो है वो पर्पल है बिकॉज जब मैं सिक्स ग्रेड में थी तब जो है हम लोगों ने ये घर बनाया था और तब मेरा पर्पल कलर फेवरेट था और अभी तक मेरा पर्पल कलर फेवरेट है बिकॉज आई लव इट, ठीक है, आई लव पर्पल कलर. सो इस वजह से ये पूरा रूम ही ऑलमोस्ट पर्पल कलर में मैंने बनवाया है और हर चीज़ ही काइंड ऑफ पर्पल. और पहले तो मैं इतना ज़्यादा ऑब्सेस थी पर्पल कलर से कि एक एक चीज़ इवन मेरे शैम्पू तक पर्पल कलर के से तो के थे, तो यार नेवर माइंड. सो रूम टूर स्टार्ट करते हैं. आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय ड्रेसिंग टेबल विच इज़ फिक्स्ड, लाइक कि यहाँ पे फिक्स्ड है, मैं इसको हिला भी नहीं सकती. मैं इतना दिल करता है ना कि थोड़ी सी चेंजिंग लाऊं रूम में लेकिन मैं कुछ भी आगे पीछे नहीं कर सकती बिकॉज एवरीथिंग इज़ लाइक जस्ट फिक्स्ड. सो गाइज मैं जो अपना मेकअप है, जो आई मेकअप के लिए जो मेरा ज़्यादातर सामान होता है और जो फाउंडेशन वगैरह का सामान होता है वो सारा इस साइड पे रहता है और जो लिपस्टिक्स वगैरह हैं, मस्कारास वगैरह हैं, नेल पेंट्स वगैरह हैं और आईलैशेस हैं वो मैं ज़्यादातर इस साइड पे रखती हूँ. सो इस साइड पे आते हैं. पहली चीज़ कि मैं यहाँ पर जो है अपने जो ब्रशेज वगैरह हैं वो यहाँ पर रखती हूँ बिकॉज ईजीली एक्सेसिबल होते हैं. पहले मैं ड्रॉर्स में रखती थी और बहुत गंद मच जाता था तो अब मैं उनको यहाँ पर रखती हूँ. उसके अलावा दिस ड्रॉर में मैं जो हूँ नॉर्मली जो मेरा नॉर्मल डे मेकअप होता है और जो फुल ग्लैम मेकअप होता है वो सारा मेरा स्टोर में रहता है. मोस्ट ऑफ यू वर लाइक के आई लाइनर बताओ, तो आई लाइनर मैं इंग्लॉट का इस्तेमाल करती हूँ बट आई डोंट रियली लाइक इट. मतलब पहले जिससे मैं इस्तेमाल करती थी दैट वॉज वे वे बेटर देन द इंग्लॉट वन, क्योंकि ये बस फैल जाता है. आई डोंट नो व्हाई, अगर आप लोगों को पता है क्यों फैलता है तो टेल मी, क्योंकि मुझे बिल्कुल एक वो फ्लीक और वो शार्प आई लाइनर चाहिए होता है और वो इंग्लॉट पूरा ख़राब कर देता है. लास्ट जब मैं कवाली नाइट पे थी तब क्या कहते हैं वो फैल गया था ना, आई वॉज लाइक व्हाट द फक.
कह लूँगी इतनी मेहनत से मेकअप करने के बाद अगर आईलाइनर फैल जाए तो। और यहाँ पे ज़्यादातर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी ग्लासेस और मेरे कैचेस वगैरह क्योंकि बाल लंबे हैं और पूरा टाइम तक खोल के रखने से। सो गाइज वन मोर थिंग कि मैं जो हूँ इस ग्लास के नीचे अपनी ड्राइंग्स रखती हूँ, ज़्यादा करती नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं करती थी या थोड़ा बहुत ही वो जो मेरी फेवरेट ड्राइंग्स हैं मैं उनको यहाँ पे रखती हूँ और थोड़ी सी डूडलिंग वगैरह। सो दिस वन वॉज जब पता नहीं मैं क्या कर रही थी रमज़ान में मेरे अंदर ये कीड़ा निकलता है ड्राइंग करने का और I love it, ठीक है। Plus I love this one as well, और ये छोटी छोटी सी डूडलिंग है जो मैंने की हुई है and I love this too because मैं normally colors के साथ जो है नहीं play करती क्योंकि I don't like colors, I don't know why, ठीक है। तो ये मैंने sketching की थी और I love it, ठीक है। अलावा जो ये वाली साइड है ये सिर्फ मेरी यहाँ पे बुक्स रहती हैं क्योंकि मेरे बोर्ड्स बहुत करीब हैं तो जब भी मेरे बोर्ड्स करीब होते हैं तो मेरी सारी बुक्स उठकर यहाँ पर आ जाती हैं। नॉर्मली मैं अपने रूम में बुक्स नहीं रखती बिकॉज मुझे इनको देख के डिप्रेशन होता है, ऐसे ही बुक्स को देख के मुझे बहुत सारा डिप्रेशन होता है। तो मैं कमिंग टू माई साइड टेबल्स कुछ खास नहीं मैं रखती क्योंकि इस पर गन मचाता है, मैं इतना गन मचा देती हूँ ताकि इस वजह से मैं कोई डेकोरेशन पीस वगैरह भी नहीं रखती। जो छोटे मोटे पड़े हैं ये भी अम्मा ने रखे, मैं मुझे नहीं पसंद क्योंकि मैं इतना गंद मचा देती हूँ फिर वो डेकोरेशन पीसेज और फिर मेरा अपना गंद वगैरह जो मैं डालती हूँ। सो या और ये मेरा रूम है जिसपे बेड है, सॉरी जिसपे सिर्फ मैं सोती हूँ, आई लव माय बेड, ओके नेवर माइंड गाइस। और ये सीन है, प्लस मैं एक फन स्टोरी बताती हूँ, फन स्टोरी सुनिए, मेरा रोने रोने की स्टोरी है कि जो मेरी बैक वाला है बेसिकली मैं सिक्स में थी ऑब्वियसली, नैना और मैना भी अपना रूम डिसाइड कर रहे थे, सब अपना रूम डिसाइड कर रहे थे और मैं इतनी छोटी थी, मेरी कम दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या और मैं रो रही थी, सबके रूम डिसाइड हो गए थे किसने क्या बनवाना और मेरा रूम डिसाइड नहीं हो रहा था और मैं लेजे पापा के बेड के साइड पर बैठ के रो रही थी और पापा ने मुझे बोला फिलजा बेटा मैंने कुछ देख लिया है आपके लिए और ये ही आप कराओगी, मुझे पता है आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने देखी पिक्चर इसकी एंड आई वाज लाइक शुक्र है रात के 12 बजे तो ना बस देख शुक्र है बाबा यही कराना है मैंने और मैंने ये क्या कहते हैं फिर ये बैकवॉल सोच की विच आई लव, ठीक है। और मेरी सीलिंग भी बस इसी के हिसाब से है, प्लस ये बेड मैंने इस बेड का डिज़ाइन अपने भाई से चोरी कर लिया था और जो उनके कमरे में है वो मेरे कमरे में होना था लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था, मुझे ये पसंद था तो आई लव माय बेड बिकॉज इसके साइड टेबल्स में बहुत जगह होती है चीज़ें रखने की और मैं इतना गंद मचाती हूँ कि मुझे बहुत जगह चाहिए होती है अपनी चीज़ें रखने के लिए। सेम गोज फॉर दैट साइड टेबल एज वेल, वहाँ पर बस जो छोटी मोटी चीज़ें जब मैं छोटी होती थी और मेरे दोस्तों वगैरह ने मुझे दी थी वो रखी हुई है। मैंने जब मैं छोटी थी आई गेस फोर्थ या फिफ्थ में मैं अपनी दोस्त को लेटर्स लिखती थी वो तब पढ़े हुए हैं और ये मेरी दोस्त ने हिना ने दिया था मुझे जब आई वाज इन फिफ्थ, ठीक है। और अभी तक है मेरे पास क्योंकि मैंने संभाल के रखा हुआ है, बचपन की यादें एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो गाइस दिस वाज माय रूम, ठीक है, इतना ही है मेरा रूम, मैंने लव इट, ठीक है। और अभी कचरा ख़त्म हुआ है तो बहुत प्यारा भी लग रहा है माशाल्लाह से मेरा रूम। सो नाउ आई विल शो यू माय वार्डरोब जिसके बारे में एवरीवन वाज आस्किंग के वार्डरोब। सो या वार्डरोब टाइम, ये मेरी वार्डरोब है, यहाँ पे जो इन सीजन मेरे कपड़े होते हैं जो मैं पहनती हूँ वो मैं यहाँ रखती हूँ, बाकी जो फॉर एग्जाम्पल सर्दियों के कपड़े हैं गर्मियों के ऊपर रख देती हूँ बिकॉज मेरी वार्डरोब छोटी है, बहुत छोटी है, मेरे पास कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास है, नेवर माइंड। सो क्योंकि सर्दी है बहुत कपड़े हो जाते हैं क्योंकि जैकेट्स बहुत ज़्यादा जगह ले लेते हैं तो मेरी ये सारी जैकेट्स हैं एंड आई लव देम, ठीक है। और कभी इन डिटेल में अपने कपड़ों का जो है व्लॉग वो भी बनाऊंगी, पर ये सारे जो है ये मेरी जैकेट्स हैं और ये मेरे कुर्ते हैं और यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी शलवार कमीज़ें और मेरे कुर्ते हैं जो मैंने रखे हुए हैं क्योंकि मैं ज़्यादा कुर्ते और शलवार कमीज़ें नहीं पहनती, मुझसे कैरी ही नहीं होता वो, कभी दुपट्टा यहाँ जा रहा है कभी कुछ, और सर्दियों में तो बिल्कुल शलवार कमीज़ें और कुर्ते नहीं पहनती बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आता कि सर्दी लगे तो ऊपर मैं क्या पहनूँ और शॉल वगैरह मुझसे संभाली नहीं जाती, आई टेल यू गाइस बिल्कुल संभाली नहीं जाती। और यहाँ पर मेरी मैंने यहाँ पे अपनी टी शर्ट्स वगैरह रखी हुई हैं बिकॉज मेरी जगह ख़त्म हो रही थी और मुझे कोई वो जगह नहीं मिल रही थी तो मैंने जो अपनी टी शर्ट्स हैं वो यहाँ रखी हुई हैं। मेरी जो जीन है टेल यू गाइस लुक एट हाउ ऑर्गेनाइज्ड आई एम, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी कभी ही होता है। और मेरी सारी जो जीन्स हैं वो मैंने यहाँ रखी हुई हैं क्योंकि
है और उसके अलावा मेरी थोड़ी सी और शर्ट्स वगैरह और थोड़े से और कपड़े मैंने यहाँ रखे हैं और मेरे पास कपड़े नहीं हैं, टेल यू गाइस कोई कपड़ा नहीं है मेरे पास। सारी हील्स हैं, आई लव हील्स, मुझे हील्स पहनना बहुत पसंद है। घर में सिर्फ मैं हूँ जो हील्स पहनती है, ज़्यादा हील्स पहनती हूँ, बाकी कोई पहनता नहीं है इतनी। और ये सारी मेरी हील्स हैं, ठीक है, आई शो यू सम ऑफ देम, ठीक है, आई लव इट, ठीक है। ये काफ़ी टाइम हो गया इसको मेरे साथ, मेरा साथ देते हुए, और लास्ट टाइम ये नैना ने पहनी थी इसलिए गंदी और मैंने साफ नहीं की, सो या। और इसी की तरीके की मैंने एक और ली थी, मेरे को इनकी हील्स बहुत लंबी हैं तो ये पहनना मुश्किल होता है और मुझे इस तरह के जूते बहुत पसंद है, बूट्स काइंड ऑफ हील। तो ये मैंने जो है ये मैंने कहाँ से लिया था, ये मैंने H&M से लिया था क्योंकि जब मैं टर्की गई थी। और आई लव दिस वन एज वेल, और ये मैंने वन से ली थी क्योंकि पता नहीं मैंने नहीं ली थी, मुझे गिफ्ट हुआ था माय गॉड, मुझे गिफ्ट मिला था, यू गाइस गिफ्ट मिला था है। और बाकी जो मेरे स्नीकर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे पड़े हैं। लास्ट टाइम आई वेंट टू पेरिस तब मैंने ये ली थी और हेयर इट इज़। सो गाइज, ये थी मेरी वार्डरोब, और इन डिटेल अगर मेरी वार्डरोब का ब्लॉग चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और बस ये मेरा रूम है, और हाँ वन मोर थिंग, ये कर्टन्स, इन कर्टन्स में मैं बहुत रोई थी और फिर मेरे भाई ने मुझे समझाया था कि फिरजा पागल हो गई, वो कर्टन्स ये हैं, इस पर क्या रोना, मुझे पसंद नहीं आ रहे थे लेकिन अब आई थिंक सही लगते हैं। एंड आई हैव दिस स्मॉल बालकनी जो कि अभी मैंने सेटिंग की भी तो वो मैं बिल्कुल नहीं दिखा रही, और बस यही है मेरा रूम विच वॉज वेरी आस्क्ड बाय यू गाइस कि मैं दिखाऊँ। सो मैंने अपना रूम दिखा दिया, आई लव माई रूम। सो एंड इफ यू लव माई रूम टू तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट।